ली और सुइंग स्विमिंग पूल में एक रेस लगाने वाले थे और हारने वाले को देना था लिप्स पे एक छोटा वाला किस। ये सुन के लियो थोड़ा ब्लश हुआ और कहा क्या ठीक है। सुइंग भी जोर जोर से हंसने लगा कि अच्छा ठीक है, चलो मैं काउंट करता हूँ। लेकिन बस उसने एक तक गिना और उसने जल्दी जल्दी में तैरना शुरू कर दिया और हंसने लगा कि शाओली तुम तो बहुत ही ज्यादा स्लो हो। शाओली भी जल्दी जल्दी में उसके पीछे गया लेकिन सुइंग तो एंड तक पहुंच गया था। लियो ने कहा कि ये तो चीटिंग है, आपने बस एक तक गिना और अकेले अकेले ही चल दिए। लेकिन सुइंग ने कहा कि मैंने कहा चीटिंग की है, मैंने कहा था कि चलो गिनते हैं, लेकिन ये थोड़ी कहा था कि मैं कितने तक गिनूंगा। वो लियो के पास आया, उसके फेस पर कर्स करने लगा कि और वैसे भी तुम्हारी जैसी स्पीड थी उस तरह से तो तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते, तो फिर अपनी हार मान लो ठीक है, चलो अब अपने बड़े भाई को अच्छे से सर्विस दो, मतलब कि हारने वाले को जो करना था वो। लियो मुंह चढ़ा के उसकी ओर देख रहा था तो सुइंग ने कहा कि अब शर्त तो शर्त होती है ना, तुम हार गए हो। तभी लियो ने उसे कमर से पकड़ के उसे किनारे पे बिठा दिया कि आप यहाँ पे ऊपर बैठो। सुइंग ने अपने पैर फैलाए, मतलब इशारे में वो उसे ये कह रहा है कि उसे क्या चाहिए। लेकिन लियो ने उसकी थाई पे पिंच किया तो सुइंग फ्लिंच हो गया कि ये कैसे सर्विस है। फिर लियो ने सुइंग को जैसी सर्विस चाहिए थी वैसी ही सर्विस उसे दे दी। दूसरे शब्दों में कहे तो सुइंग के पास जो कुल्फी थी वो लियो खा गया। लियो ने अच्छा किया इसलिए सुइंग बहुत ही खुश था। वो अपने पैर से लियो के कंधे पे पैट कर रहा था कि इतना भी बुरा नहीं था शावियो, तुमने तो बहुत जल्दी सब कुछ सीख लिया। तभी लियो उसका पैर पकड़ता है कि अब मेरी बारी है ना। सुइंग को तो कोई अंदाजा नहीं था तो वो बहुत ही आराम से कह रहा था कि थोड़ी देर रुको तो सही। तभी उसका फोन भी बज रहा था तो वो उसे पिकअप करने जाने वाला था, लेकिन लियो ने उसका पैर खींच के उसे रोक लिया कि आप किस कॉल की बात कर रहे हो। सुइंग नहीं भाग पाया और लियो को जो करना था वो उसने कर लिया। सुइंग का फोन काफी देर तक बजता ही रहा लेकिन लियो ने उसे उस ओर देखने भी नहीं दिया। फिर काफी वक्त बाद सुइंग ने अपना मोबाइल चेक किया कि ये काफी बार बज रहा था तो शायद किसी को अर्जेंटली मेरा काम होगा। उसे बार बार अपने कजिन बाई शिनियो का कॉल आ रहा था। ये देख के सुइंग अंदर से बहुत ही खुश हो गया और सोचने लगा कि अभी इस वक्त वो कॉल कर रहा है, मतलब कि उसका मिलिट्री एनलिस्टमेंट प्रोसीजर पूरा हो गया होगा, अभी वो मुझसे मदद मांगने के लिए ही कॉल कर रहा होगा। उसने कॉल करके देखा तो बाई शिनियो का फोन तो स्विच ऑफ था, मतलब कि सच में अभी बाई शिनियो मिलिट्री में चला गया है, वहाँ पे मोबाइल नहीं रख सकते तो वो सीक्रेटली ले गया होगा शायद। उसने अपनी आंटी यानी कि बाई शिनियो की मॉम को कॉल किया और उसे पता चल गया कि हाँ बाई शिनियो चला गया है। लियो ने डिनर बना लिया था और वो डाइनिंग टेबल पे रख रहा था और इस तरह से सुइंग को फोन पे बात करते देख कर उसने पूछा कि क्या हुआ है। सुइंग ने बताया कि बाई शिनियो को भेज दिया है तो लियो तो सरप्राइज रह गया कि इतना जल्दी। जैसे सुइंग की तारीफ हुई हो वैसा वो फील करने लगा कि हाँ जिस मामले को मैं हैंडल करता हूँ वो इतना जल्दी फिनिश हो जाता है। वो बदमाश बाई शिनियो मुझसे बच ही नहीं पाया, उसे आर्मी में जाना ही पड़ा। लियो ने पूछा कि क्या आपको डर नहीं है कि वो आपसे हेट करेगा, तो सुइंग कहता है कि बाई शिनियो तो एकदम ही बेवकूफ है और हर वक्त तो शो ऑफ करता रहता है, अगर इतने सालों तक मैंने उसकी मदद ना की होती तो फिर दूसरे लोग उसे कितनी बार चुना लगा चुके होते, ऐसा कह सकते हैं कि मैं ही उसे पाल पोस के बड़ा कर रहा था, लेकिन उसने मेरे ही पैसे लेकर मुझे स्कैम करने की कोशिश की। तुम ही देख सकते हो कि किसे किसको हेट करना चाहिए, मतलब कि उसे मुझे हेट नहीं करना चाहिए बल्कि मुझे उसे हेट करना चाहिए।